હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો કિડ્સ, હાવ આર યુ? સ્ટાન્ડર્ડ એલકેજી. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન સબ્જેક્ટ એન્વાયરમેન્ટલ. આજ કા હમારા ટોપિક હૈ રૂટ વેજીટેબલ. દેખો બચ્ચો, યે કોન સા પિક્ચર હૈ રૂટ વેજીટેબલ્સ કા? તો આજ હમ રૂટ વેજીટેબલ્સ કે બારે મેં સીખેંગે. દેખો યે કોન સા પિક્ચર હૈ બચ્ચો? કેરટ કા. કિસકા? કેરટ કા. કેરટ ઇઝ રૂટ વેજીટેબલ્સ. કેરટ ગીવ્સ વિટામિન એ. કેરટ જો હૈ વો હમ સલાડ કે રૂપ મેં ઓર જ્યુસ કે રૂપ મેં ભી ઉસકો ખા સકતે હૈ ઓર પી સકતે હૈ. કેરટ કા કલર કેસા હોતા હૈ? રેડ કલર હોતા હૈ. ઓર ઉસસે ખાને સે આંખો કી રોશની મજબૂત હોતી હૈ. યે પિક્ચર કિસકા હૈ બચ્ચો? બીટરૂટ કા. તો બીટરૂટ જો હૈ વો બહોત હેલ્ધી હોતા હૈ. ઇસકે અંદર બહોત જ્યાદા વિટામિન્સ ઓર પ્રોટીન્સ હોતે હૈ. ઇસકો હમ કટિંગ કરકે ભી ખા સકતે હૈ ઓર ઇસકા જ્યુસ બના કર ભી પી સકતે હૈ ઓર ઇસકા ટેસ્ટ ભી બહોત અચ્છા હોતા હૈ. યે કોન સા પિક્ચર હૈ બચ્ચો? રેડિશ કા. વેરી ગુડ. તો રેડિશ કો મૂલી કે નામ સે ભી જાના જાતા હૈ. મૂલી એસી સબ્જી હૈ જો સલાડ કે રૂપ મેં બહોત પસંદ કી જાતી હૈ ઓર હમે ઇસકા ટેસ્ટ ભી બહોત અચ્છા લગતા હૈ. તો આપકો ભી યે રેડિશ અચ્છા લગતા હૈ ને? વેરી ગુડ. યે કોન સા પિક્ચર હૈ બચ્ચો? ટર્નિપ. ટર્નિપ યાની સલગમ. યે આલુ કી તરહ યે ભી જમીન કે નીચે હી ઉગતા હૈ. ઇસમેં બહોત કેલ્શિયમ હોતા હૈ જો આપકે દાંતો ઓર હડ્ડીઓ કે લિયે બહોત જરૂરી હોતા હૈ ઓર ઇસકા ટેસ્ટ ભી બહોત અચ્છા હોતા હૈ. રૂટ વેજીટેબલ્સ. દીઝ આર રૂટ વેજીટેબલ્સ, કલર ધેમ. ઇસ સેન્ટેન્સ કા મતલબ ક્યા હૈ? હમે રૂટ વેજીટેબલ્સ કો કલર કરના હૈ. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. હમ શરૂ કરતે હૈ. ફર્સ્ટ પિક્ચર ઇઝ કેરટ. તો હમે કેરટ કે અંદર કલર કરના હૈ. કેરટ મેં જો ઉસકે લીવ્સ હૈ વો કૈસે કલર કે હોતે હૈ? ગ્રીન કલર કે. તો ચલિયે હમ ગ્રીન કલર કરતે હૈ. અચ્છે સે હમે ગ્રીન કલર કરના હૈ. લાઈન કે બહાર કલર ન જાય એસા હમે ખ્યાલ રખના હૈ. અચ્છે સે હમે કલર કરના હૈ તાકિ કલર જો હૈ વો લાઈન સે બહાર ન જાય ઓર હમ અચ્છી તરહ સે કલર કર સકે. ચલિયે અભી હમ રેડ કલર કરતે હૈ કેરટ કે અંદર. તો ચલિયે સ્ટાર્ટ કરતે હૈ. હમે લાઈન સે બહાર કલર નિકાલના નહીં હૈ. અચ્છે સે હમ ઇસકો કલર
करेंगे। कैरेट आपको बहुत अच्छा लगता है ना, और इसका जूस भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम कैरेट के अंदर अच्छे से कलर करेंगे। अच्छे से हमें कलर इसको करना है। और आप भी इसका ख्याल रखना कि हमें लाइन से बाहर कलर निकालना नहीं है। और कैरेट जो है वो अच्छे से कलरिंग हो जाए। आप भी अच्छे से कलर करना। ऐसे हमें धीरे धीरे कैरेट को कलर करना है। और ये हो गया हमारा कैरेट में कलर कंप्लीट। ये हमारा कैरेट में कलर कंप्लीट हो गया। अभी आता है बीटरूट। तो चलिए हम बीटरूट में कलर करते हैं। बीटरूट के जो लीफ होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो चलिए हम पहले लीफ के अंदर ग्रीन कलर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन कलर इसके अंदर करते हैं। अच्छे से कलर करना है, लाइन से बाहर कलर निकालना नहीं है। हमें इसका ध्यान रखना है कि कलर जो है वो लाइन के बाहर न जाए, और हम अच्छी तरह से कलर को कंप्लीट कर सके। ये हो गया कलर कंप्लीट। देखो अभी यहाँ पर भी हमें ग्रीन कलर करना है। आपको भी ये ख्याल रखना है कि लाइन से बाहर कलर जाए नहीं। ऐसे हमें धीरे धीरे अच्छे से कलर कंप्लीट करना है। देखो इसकी डाली में भी हमें कलर करना है। डाली भी कैसी होती है, ग्रीन कलर की। तो चलिए हम डाली में भी कलर करते हैं। देखो डाली भी कंप्लीट हो गई। अभी फिर से इसके पत्तों में कलर करते हैं हम। देखो अच्छे से कलर हो रहा है ना। आपको भी ख्याल रखना है कि लाइन से बाहर कलर जाए नहीं। तो ये कलर कंप्लीट हो गया। चलिए अभी बीटरूट का कलर कौन सा होता है, पर्पल। तो चलिए हम बीटरूट के अंदर कलर करते हैं। अच्छे से कलर करना है आपको भी, लाइन से बाहर कलर न जाए ऐसा हमें ख्याल रखना है। देखो कलर जो है वो अच्छे से हमें करना है।
लाइन से बाहर कलर जाए नहीं। ये हो गया कंप्लीट कलर। ये कंप्लीट कलर हो गया। इसके बाद आता है रेडिश। तो रेडिश में रेडिश का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है और उसके जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो चलिए हम ग्रीन कलर स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डाली में कलर करते हैं ऐसे हमें, और फिर इसके पत्तों में कलर करते हैं। अच्छे से कलर करना है, लाइन से बाहर ना निकले ऐसा हमें ख्याल रखना है। और पत्तों में ग्रीन कलर अच्छे से करना है। तो हम ये ग्रीन कलर कर रहे हैं, देखो अच्छे से कलर करना है। ये हो गया कंप्लीट। अभी दूसरा करते हैं, दूसरे में भी अच्छे से कलर करना है, लाइन से बाहर कलर ना निकले ऐसा हमें ख्याल रखना है। तो अच्छे से कलर हमें इसको कंप्लीट करना है। धीरे धीरे आप इस कलर को करिए। तो पत्तों में ग्रीन कलर अच्छे से हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद जो दूसरा पत्ता है इसी के अंदर हमें कलर करना है। अभी हम इसके अंदर भी अच्छे से कलर करेंगे और लाइन से बाहर कलर न जाए ऐसा ध्यान रखते हैं। ये हो गया कंप्लीट कलर रेडिश में। इसके बाद कौन सा पिक्चर आता है? टर्निप। तो चलिए हम इसके अंदर भी कलर करते हैं। इसके जो लीफ है इसके अंदर हम ग्रीन कलर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीफ के अंदर अच्छे से हमें ग्रीन कलर करना है और लाइन से बाहर ना जाए ऐसा हमें ख्याल रखना है। ये हो गया कंप्लीट। अभी हम यहाँ पर भी कंप्लीट करेंगे ग्रीन कलर। पत्तों में हम कंप्लीट करेंगे। ये हो गया कंप्लीट कलर। इसके बाद कौन सा पिक्चर आता है? टर्निप। तो चलिए हम इसके अंदर भी कलर करते हैं। इसके जो लीफ है इसके अंदर हम ग्रीन कलर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीफ के अंदर अच्छे से हमें ग्रीन कलर करना है और लाइन से बाहर ना जाए ऐसा हमें ख्याल रखना है।
ये हो गया कंप्लीट। अभी हम यहाँ पर भी कंप्लीट करेंगे। ग्रीन कलर पत्तों में हम कंप्लीट करेंगे। ये हो गया कंप्लीट कलर। तो हमें इसके अंदर भी अच्छे से कलर कंप्लीट करना है। लाइन से बाहर कलर ना जाए ऐसा हमें ख्याल रखना है। धीरे धीरे आप इसके अंदर अच्छे से कलर कंप्लीट कर सकते हैं। और अच्छे से कलर करना है ध्यान रखते हुए, और ऐसे हमें कंप्लीट कलर करना है। देखो ये हो गया कलर कंप्लीट। ये हो गया कलर कंप्लीट। तो आज हमने रूट वेजिटेबल्स में कलरिंग किया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।